हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स लेमन राइस। इसके लिए मैंने राइस पहले से बना कर रख लिया। इसके लिए हमें चाहिए सूखी लाल मिर्च, जीरा, हींग, चना दाल और ये थोड़ी सी राई और पीसे से स्लिट करी हुई दो मिर्च। ये अपने अकॉर्डिंग कभी ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए होंगे बने हुए चावल जो मैं बना चुकी हूँ, हल्दी और ये नींबू का रस। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें तड़के की सारी चीज़ें डाल दूंगी, ये हरी मिर्ची निकाल करके केवल, बाकी सब चीज़ें इसमें डाल दूंगी। और ये देखिए तड़कने की आवाज़ आने लगी है और इसी स्टेज पे इसको अच्छे से होने देते हैं। ग्रीन चिली बाद में डालूंगी, इसमें हींग भी सब मैं डाल दूंगी। देखिए अच्छे से तड़कने लगी है, इसमें मैं डालूंगी इसी स्टेज पर हल्दी। हल्दी के बाद इसमें डालूंगी मैं राइस और एक ग्रीन चिली भी अभी डाल देंगे। इसमें मिला देंगे ये हमारा राइस। फ्लेम थोड़ी लो कर दूंगी। ये मैं एक बार बना चुकी हूँ, आप लोगों को बनाने बताने के लिए बता रही हूँ कि लेमन राइस कैसे बनता है। और बहुत ही टेस्टी होता है ये साउथ इंडियन डिश। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार। जब भी कुछ अच्छा तीखा चटपटा खाने का मन करे और राइस हो, तो इस तरह से लेमन राइस जरूर बना करके देखिएगा। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा करी पत्ता भी डाल सकते हैं और बनने का धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम खिला खिला। देखिए अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें ये हमारा नींबू का जूस यानी कि लेमन जूस। ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं, खट्टे चटपटे। और बस ये हमारे लेमन राइस रेडी हैं। देखिए कैसे खिले खिले बने। देखिए